नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे बाइक के ब्रेक लीवर के फ्री प्ले के बारे में। तो क्या होता है, कई बार जब हम मास्टर सिलेंडर की जो किट होती है वो ख़राब हो जाती है और उसको चेंज कराते हैं, तो जो अगर कई बार दूसरी टाइप की अगर थोड़ा बहुत किट हम लगा लें आफ्टर मार्केट, तो उसमें क्या होता है, जो पुश रॉड होती है वो उसके डिफरेंस के कारण जो फ्री प्ले होती है ब्रेक लीवर की वो कम या ज़्यादा हो जाती है। तो जो गाड़ी में अभी मैं काम कर रहा हूँ उसकी जो फ्री प्ले है वो कम हो गई है। वैसे इस चीज़ से कोई दिक्कत नहीं है, फ्री प्ले से कोई दिक्कत नहीं है, कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन ये है कि थोड़ा बहुत मेरे को अनकंफर्ट लग रहा था पहले के मुकाबले। मुझे पहले की आदत थी फ्री प्ले ज़्यादा थी, अभी क्या हो रहा है टच करते ही वो ब्रेक अप्लाई हो जा रहा है, तो उसी को कम करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, सबसे पहले नीचे 10 mm का नट लगा हुआ है इसको ढीला कर लेना है, जो ऊपर एक बोल्ट से अटैच है। इसको ढीला करने के बाद जो ऊपर एक बोल्ट लगा है हमें उसको खोल लेना है, लेकिन उससे पहले इस जो 10 mm का नट है इसको हमें निकाल लेना है। ये निकालने के बाद ऊपर जो स्क्रू लगा है हमें इसको भी खोल लेना है। क्या होता है, ये स्क्रू जाम हो जाता है, तो ज़्यादा इसमें फोर्स का अप्लाई नहीं करना होता, अदरवाइज उसकी जो चूड़ी होती है वो कटने के चांस रहते हैं। तो आपको क्या करना है, स्क्रू ड्राइवर को इस तरह रख के इसमें आप हल्का सा हिट करेंगे एंटी क्लॉक वाइज, तो ये ढीला हो जाएगा, तो ये खुल जाएगा। इसको हमें निकाल लेना है, इसके बाद जो ब्रेक लीवर है वो खुल जाएगा। ब्रेक लीवर निकालने के बाद आप ये मेरे पास देख रहे होंगे दो टाइप की पुश रॉड्स हैं, तो दोनों अलग अलग जो मास्टर सिलेंडर किट आती है उनकी है। एक है जो पहले से लगी हुई थी और एक है जो दूसरा मैंने चेंज करा है उसमें। तो अभी क्या हो रहा है, जो आप ये लॉन्ग वाली देख रहे हैं जो अभी ये लगी हुई है, इसकी वजह से जो उसका ट्रैवल है यानी कि जो फ्री प्ले है वो बहुत ज़्यादा कम हो गई है। तो मैं चाहूँ तो जो दूसरी वाली है उसको भी लगा सकता हूँ, लेकिन उसमें मुझे एक जुगाड़ करना पड़ेगा छोटा सा, क्योंकि उसमें ऐसी पुश रॉड कनेक्टिंग वाली नहीं है, जो उसका जो लीवर है वो थोड़ा अलग टाइप का, उसके बीच में मुझे एक बॉल बैरिंग की जो बैरिंग होगी वो डालनी पड़ेगी, वो जुगाड़ परमानेंटली हो जाएगा। लेकिन वो नहीं करते हैं, उसकी जगह पर एक आसान सी चीज़ कर लेते, जो पुरानी वाली है जो पिस्टन की जो स्प्रिंग रॉड है, सॉरी जो पिस्टन की पुश रॉड है, उसी को थोड़ा बहुत इस लायक बना लेंगे कि वो उसका जो फ्री प्ले है वो कम हो जाए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो जो पुराना वाला पिस्टन है उसी को कुछ इस तरीके से मॉडिफाई करेंगे कि उसका जो फ्री प्ले है फ्री प्ले बढ़ जाए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें सिंपली इसको घीस लेंगे सैंड पेपर की हेल्प से। आपको ज़्यादा उसमें फ्री प्ले बढ़ानी है और ज़्यादा करना है तो डिफरेंट डिफरेंट आप सैंड पेपर यूज़ कर सकते हैं। मैं नॉर्मल जो घरों में पुताई में यूज़ होने वाला सैंड पेपर अभी इसका यूज़ करूँ, आगे जाके मैं ऑटोमोबाइल ग्रेड का सैंड पेपर का यूज़ करूँगा उसमें फिनिशिंग के लिए, क्योंकि इससे करूँगा तो मुझे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा स्टार्टिंग में। तो आपको क्या करना है, जिस साइड से ये जो पुश रॉड होती है ये लीवर पर अटैच होती है उस साइड से हमको इसको घिसना है, ना कि जिस साइड से ये पिस्टन पे जो मास्टर सिलेंडर का पिस्टन होता है उस पर अटैच होती है, उस साइड से हमें नहीं घिसना है। तो इसको घिस लेते हैं पहले फटाफट से जितना हमें चाहिए, फिर इसको फिक्स करेंगे, फिर देखेंगे हमें क्या रिजल्ट मिलता है। यहाँ पर मैंने इसको इवनली घीस लिया है, सैंडिंग इसमें कर ली है, अब इसको हमें एक बार और घीसना है, मतलब इवनली इसमें हमको सैंडिंग करते जाना है, फिर इसको इंसर्ट करके देखना है, लगा के देखना है सही है नहीं, तो फिर दोबारा ये प्रोसेस हमें रिपीट करनी है। तो इसको एक बार और सैंडिंग कर लेते हैं, ये तो अभी स्टार्टिंग में इतना ज़्यादा नहीं घिसे गए। अब इसमें सेकेंड टाइम हमने सैंडिंग कर ली, अब इसमें क्या करना है, इसको दोबारा से फिट करके इसमें देख लेना है ब्रेक लीवर में। प्रोसीजर वही सिंपल है, जैसे हमने निकाला था वैसे इसको फिट करना है, यहाँ पर से इसमें अटैच होगा और साथ ही इसके बाहर से जो लीवर है लीवर को हमें फिट कर लेना है, बाद में चेक कर लेना है स्क्रू लगा के। मैं खाली अभी ऊपर का स्क्रू लगाऊंगा, नीचे का जो नट है इसका वो नहीं लगाऊंगा, वो लास्ट में, क्योंकि जो स्क्रू होता है ये भी इसमें टाइट हो जाता है। तो अभी जो इसकी फ्री प्ले है थोड़ा कम हुई है पहले के मुकाबले, लेकिन मैं इसमें सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मेरे को इसको और कम करना है, जो जितनी इसमें स्टार्टिंग में आई थी उतनी ही। तो इसको मैं दोबारा से निकाल के दोबारा से और घीस लूँगा ताकि जो इसकी फ्री प्ले है थोड़ा बढ़ा सकूँ।
अब आप जैसे मैं आपको बोला था, आप इसको ज़्यादा घिसना चाहें तो कम ग्रेड के सैंड पेपर का यूज़ कर सकते हैं। मैं जितने ज़्यादा ग्रेड का आप सैंड पेपर का यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा इसको कम घिसेगा इसको। तो इसको दोबारा के पहले की तरह जो वॉल में यूज़ होने वाले सैंड पेपर हैं उनसे इनको मैं सैंडिंग कर रहा हूँ, फटाफट से कर लेते हैं, फिर आगे का मैं बताता हूँ आपको और क्या करना है। तो ये कुछ इस तरीके से हुआ है। इसमें हमें इवनली सैंडिंग करके जो फिनिशिंग इसकी स्मूथली कर लेनी है, अदरवाइज जो ब्रेक लीवर उसमें अच्छे से बैठेगा नहीं। तो अब इसमें हमने अच्छे से सैंडिंग कर ली है, अब इसको क्या करना है वापस से दोबारा इंसर्ट कर लेना है। उससे पहले आपको चेक कर लेना है कि ये लीवर में अच्छे से बैठ रहा नहीं बैठा। और एक चीज़ आप जो लीवर में देख रहे होंगे, इसमें कलर नहीं है ब्लैक कलर, तो स्टार्टिंग में था वैसा ही। मैंने इसमें सैंडिंग करके इसको भी ऐसा बना लिया, बाद में जहाँ जहाँ हाथ लगते रहते हैं इसमें तो खुद ही स्मूथ हो जाता है। तो आप भी करना चाहें तो ईजिली किसी भी सैंड पेपर की हेल्प से इसको कर सकते हैं। तो ये मैं इसमें फटाफट से फिट करके इसको चेक कर लेते हैं। तो अभी इसमें जितनी मुझे चाहिए थी फ्री प्ले उतनी काफ़ी है, तो मैं इसको इतनी ही रखूँगा, इससे ज़्यादा इसको नहीं घिसूँगा। बस इसमें इतना है कि इसमें जो इसकी जो पुश रॉड है इसमें फाइनल टच दे लेते हैं, यानी कि उसको स्मूथ कर लेते हैं जो ऑटोमोबाइल ग्रेड वाले जो सैंड पेपर आते हैं उससे। तो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा 2000 ग्रेड का, और मेरे पास 400 ग्रेड का भी है, उसका भी यूज़ थोड़ा बहुत जितना इसमें स्पॉट्स हैं उनको मैं 400 ग्रेड से क्लीन कर लूँगा, यानी कि स्मूथ कर लूँगा, और बाद में फाइनल टचिंग के लिए मैं इसमें यूज़ करूँगा 2000 ग्रेड का जो सैंड पेपर है उसका। तो ये अब अपना परफेक्ट हो चुकी है पुश रॉड। अब इसको क्या करना है, जो 2000 ग्रिट वाला सैंड पेपर है मेरे पास उससे मैं इसको स्मूथ कर लूँगा, पूरा फिनिशिंग कर लूँगा, अच्छा लगेगा, थोड़ा और बेटर रिजल्ट हमें मिलेंगे। तो इसको अच्छे से हमें जितना हो सके उतना इसको फाइनल फिनिशिंग कर लेनी है, जितना अच्छा करेंगे आप। और जहाँ जहाँ इसमें हैवी स्पॉट्स हैं वहाँ वहाँ आप इसमें 400 ग्रिट का सैंड पेपर भी यूज़ कर सकते हैं, उससे वो स्पॉट्स इजीली रिमूव हो जाएंगे और इसमें एक स्मूथ सी इसकी लुक आएगी जो आपको भी अच्छी लगेगी और एक काम भी अच्छे से करेगा। वैसे इससे इसके काम करने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट वो अच्छा लगता है, काम करने मज़ा आता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो देखिए पूरा स्मूथ हो चुका है, तो देखिए बिल्कुल फिनिश हो चुका है अच्छे से, जैसा इसमें होना चाहिए बिल्कुल स्मूथली फिनिशिंग इसमें आ गई। अब इसमें क्या करना है, जहाँ जहाँ अगर इसमें कुछ भी कलेक्ट हुआ है डस्ट या कुछ भी, क्योंकि इसके अंदर ग्रीस होता है तो ग्रीस की वजह से डस्ट कलेक्ट हो जाती है, तो वहाँ वहाँ जितना भी हो सके इसका स्प्रिंग और साथ में जो पुश रॉड है दोनों को हमें क्लीन कर लेना है। और क्लीन करने के बाद इनको वापसी जैसे हमने निकाला था वैसे वैसे इसको इंस्टॉल कर लेना है, स्प्रिंग के साथ पुश रॉड को, और साथ में जो इसका रबर का बूट होता है जो उसमें डस्ट जाने से बचाता है उसको भी इंसर्ट कर लेना। आप चाहें तो उसे बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, इसमें ग्रीसिंग कर लेनी है। इसमें ग्रीस का मैं वही यूज़ कर रहा हूँ जो नई जो हम मास्टर सिलेंडर किट लेते हैं उसके साथ ये ग्रीस आता है, तो मेरे पास बचा हुआ है तो मैं इसी का यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि इसके साथ का तो इसको यूज़ करना अच्छा होगा। और वैसे चाहे तो आप इसमें वाटरप्रूफ ग्रीस का भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो नॉर्मल ग्रीस का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई सा भी ग्रीस आप यूज़ कर लीजिए, बस थोड़ा बहुत यूज़ कीजिए, ज़्यादा मत कीजिए, ज़्यादा करेंगे डस्ट कलेक्ट हो जाएगी। और साथ ही में जो इसका जो ब्रेक लीवर है इसको भी आप अच्छे से क्लीन कर लीजिए अगर इसके अंदर कुछ है तो, ताकि अच्छे से जो पुश रॉड है वो अच्छे से इसके अंदर बैठ जाए और इसका काम बिल्कुल स्मूथली होते जाए। तो इसको आपको साफ़ कर लेना है, उसके बाद आपको क्या करना है, बाकी जो जो इसमें जहाँ जहाँ डस्ट कलेक्ट है जहाँ जहाँ, क्योंकि ग्रीस लगा होता है जिसमें आपको बोला, ग्रीस की वजह से क्या होता है जो डस्ट होती है वो कलेक्ट हो जाती है अच्छे से परमानेंटली, तो उसको आपको किसी स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से या फिर सैंड पेपर की हेल्प से भी आप उसको क्लीन कर सकते हैं। तो ये सारा अपना क्लीन हो जाएगा, क्लीन करने के बाद इसको दोबारा से इंस्टॉल कर लेना है। अब थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं जो मास्टर सिलेंडर किट होती है उससे रिलेटेड। तो कभी आपकी बाइक के
डिस्क ब्रेक में अगर ब्रेक अच्छे से काम नहीं करें तो वहाँ पर आपको क्या करना होता है, मास्टर सिलेंडर की जो किट आती है इसको आपको चेंज कर लेना होता है। बड़ी सस्ती सी मिल जाती है, आप आसानी से खुद में इसको चेंज कर सकते हैं। एक स्नैप रिंग लगा होता है आगे से, बस उसको आपको निकालना होता है। और इस किट में एक रिटर्न स्प्रिंग होता है, एक पिस्टन होता है, एक कप लगा हुआ होता है जिसकी हेल्प से जो ब्रेक फ्लूड है वो आगे को पास होता है कैलिपर की तरफ। तो इसका बहुत सिंपल सा है, ऊपर से रिजर्वायर होता है, रिजर्वायर में जो ब्रेक ऑयल होता है, ब्रेक ऑयल इसके थ्रू यहाँ से कैलिपर में आके जो आपके ब्रेक होते हैं वो काम करते हैं। तो इसको चेंज करना बहुत ज़्यादा आसान है। और कारों में तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा सिस्टम होता है उसमें, क्योंकि ब्रेक बूस्टर और अदर पार्ट्स भी होते हैं। लेकिन इनमें क्या होता है, सिंपल सा आपका ये मास्टर सिलेंडर होता है, उसमें एक किट लगी हुई होती है और ये जो आप सिंपल लीवर प्रेस करते हैं तो आपके जो ब्रेक होते हैं वो काम करते हैं। बस इसमें एक स्नैप रिंग होता है, उसे आप स्नैप रिंग प्लायर की हेल्प से उसको ओपन करेंगे तो निकल जाएगा। आपको किट निकालनी है और उसको चेंज कर लेना। साथ में एक ये बूट होता है, बूट में जो और बूट के साथ ही आपकी अटैच होती है एक पुश रॉड। जो तो पुश रॉड का काम ये होता है, जब आप ब्रेक लीवर प्रेस करते हैं तो जो आपकी जो मास्टर सिलेंडर होता है वो प्रेस होता है पुश रॉड की हेल्प से और आगे आपके ब्रेक काम करते हैं। और इसमें आगे से एक लगी होती है एक रिटर्न स्प्रिंग, जो आपका जो मास्टर सिलेंडर होता है उसको वापस अपनी पोजीशन पर आने पर हेल्प करता है। बहुत सिंपल सा इसमें मैकेनिज्म होता है, आप आसानी से इसको खुद से ही चेंज कर सकते हैं, खुद से रिप्लेस कर सकते हो। इसके लिए आपको पूरी की पूरी असेंबली चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती है। और इसमें इंस्टॉल करने से पहले इसमें आपको ग्रीसिंग कर लेनी, ग्रीसिंग आपको बहुत हल्की करनी है, क्योंकि ज़्यादा ग्रीस आप यूज़ करेंगे तो उसमें क्या होता है, फिर डस्ट कलेक्ट हो जाती है, तो उसकी वजह से जो लीवर होता है वो भी घिसता है और बाकी जो पार्ट होता है इसका जहाँ पर लीवर अटैच होता है वो भी घिस जाता है, क्योंकि डस्ट कलेक्ट होती है। तो उसकी वजह से बार बार ब्रेक लीवर जब हम यूज़ करते हैं तो वो भी घिसने लग जाता है। तो बहुत कम ग्रीस यूज़ करने के बाद आपको वापस से जो पुश रॉड है उसको इंसर्ट कर लेना। और साथ ध्यान रखना है कि आप जो उसका बूट है अच्छे से फिट कर रहे हैं, और साथ ही में इसका जो लीवर है लीवर को भी आपको फिट कर लेना है। और एक चीज़ और है, अगर आपका जो स्क्रू है वो इसमें नहीं जा रहा तो आपको क्या करना है, जो लीवर है उसको आपको अंदर की तरफ आप प्रेस करेंगे तो आपका जो स्क्रू है वो आसानी से इसमें चले जाएगा। जो अपनी जो जगह है वहाँ पर आने पे उसको थोड़ा बहुत आप दबाएंगे तो वो अपनी जगह पे चले जाएगा। अब इसमें चेक कर लेना है कि जो लीवर है वो जितना आप चाहते थे उतना है या नहीं, तो मेरे अकॉर्डिंग ये परफेक्ट है। और बाकी इसका जो बूट है, बूट को भी आपको अच्छे से इंसर्ट कर लेना है ताकि कहीं से डस्ट ना जाए। उसके बाद जो इसका नट है, नट को भी आपको फिट करके टाइट कर लेना है। तो ये तो इतना काम इसका पूरा हो गया, एक सिंपल सी प्रोसेस थी ये कम्प्लीट हो गई। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका रिजल्ट, पहले इसको टाइट कर लेता हूँ। टाइट करने के बाद जो इसका फाइनल रिजल्ट है वो जैसा मैं चाहता था उतना ही है, जितनी इसकी फ्री प्ले मैं करना चाहता था उतनी ही है। स्टार्टिंग में क्या होता है, बहुत ज़्यादा हो रही थी, वो ब्रेक लीवर को टच करते ही ब्रेक अप्लाई हो जाते तो उसमें मुझे कंफर्ट नहीं लग रहा था, तो इस वजह से मैंने इसका ये एक जुगाड़ सा निकाला। आप करना चाहें तो आप भी आसानी से कर सकते हैं। और एक चीज़ और है इसमें जो मैं आने वाली वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। यहाँ पर आप ये जो मास्टर सिलेंडर का रिजर्वायर देख रहे हैं, इसमें ब्रेक फ्लूइड डालते हैं तो ये लीक कर रहा है, तो इसका भी मैं आपको आने वाले वीडियो में दिखाऊंगा सॉल्यूशन। तो आज की वीडियो में इतना ही था, होप करता हूँ आपको पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।